कुछ हफ्ते पहले किटी प्राइड के हाथों एक्समैन का ब्लैक बर्ड जेट क्रैश हो जाता है। हालांकि उसके साथ मौजूद स्टूडेंट्स बच जाते हैं, लेकिन किटी वहां से बिना सबूत गायब हो जाती है। वहीं एक रैली के दौरान जिसमें एक सीनेटर एक नई दवाई की अनाउंसमेंट कर रहा था, जेमी मैड्रॉक्स और उसके कई सारे डुप्लीकेट्स कई सारी पावर्स के साथ वहां अटैक कर देते हैं। वो भाषण दे रहे सीनेटर के पीछे भागते हैं, लेकिन वो सीनेटर उनकी आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। इधर जब किटी प्राइड और सीनेटर को होश आता है तो उनको वहां पे बांध कर रखा गया है, वो भी एपोकलिप्स के साथ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ पे एक मैसेज भेजा जाता है, हाउस्टन पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुम ये देख रहे हो? आवाज आती है, नहीं क्या हुआ? तब ग्राउंड यूनिट को बताया जाता है, पता नहीं हाउस्टन, लग रहा है कि कैंसर में कुछ बढ़ रहा है। आखिर ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती रहती है? इधर हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर मैड्रॉक्स की एक बहुत बड़ी आर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। इधर जेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर द बीस्ट की लैब में द बीस्ट बाकी म्यूटेंट से कह रहा है, माफ करना कि मैंने तुम सबको जल्दी जगा दिया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें देखना चाहिए। जो हम देख रहे हैं ये हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 6 घंटों से पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हमारे सामने आ रहे हैं जो कि कई लाख साल पहले गायब हो चुके थे और लोगों को चोट पहुंचा रहे हैं। अवेंजर्स, चैंपियंस, विंटर गार्ड और बाकी सारे ग्रुप्स इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कमजोर पड़ रहे हैं। ये वर्ल्ड हमें मारने की कोशिश कर रहा है और हमें इसको रोकना होगा। इस टाइम पहाड़ी इलाके में कोई भी हीरोज नहीं है और वहाँ एक मुसीबत आने वाली है, हमें मोंटाना में एक टीम भेजनी होगी। इधर मोंटाना के अंदर हम देखते हैं कि डायनासोर्स अर्थ पे आ चुके हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। साइलो कहती है, मैं इस मुसीबत को समझ पा रही हूँ, लेकिन किटी के गायब होने का क्या? और जेमी मैड्रॉक्स ने उस सीनेटर पे अटैक किया था और उसके बाद दोनों गायब हो गए और तब वारन मुझे छोड़कर चला गया। मैं तुम लोगों के साथ लड़ने जरूर जाती, लेकिन क्या हम इन चीजों को नहीं भूल रहे हैं? जीन कहती है, तुम और मैं, हम दोनों किटी और वारन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और उनको ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हैंक का कहना यह है कि हमारे सामने और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। मुझे हमारे दोस्तों की चिंता है, हम सबको है, लेकिन इसके लिए हम बाकी लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते। अब बीस्ट कहता है, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। स्टॉर्म पूछती है कि कालाहारी में वो मौसम भी इससे जुड़ा हुआ है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हैंक कहता है, हो सकता है, हमारे सामने ऐसी चीजें आ रही है जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए और ऐसी चीजें गायब हो रही है जो यहाँ होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जीन कहती है, तो ठीक है हैंक, तुम मोंटाना में एक टीम लेकर जाओ और देखो कि तुम्हें क्या पता लगता है। लेकिन हैंक कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, जिसपे स्टॉर्म टीम ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। जीन कहती है, ठीक है, तब तक मैं सेरिब्रो का यूज करते हुए अपने गुम हो चुके दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अब सेरिब्रो के अंदर बॉबी जिंगरे से कह रहा है, वो लोग तो डायनासोर के साथ खेलने चले गए और मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तभी जिंगरे को किसी का पता चलता है। इधर बिशप स्टॉर्म से कह रहा है, अब तो डायनासोर के साथ लड़ना आम बात हो गई है। स्टॉर्म कहती है, अगर लोगों की जान बचाना आम बात है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। बॉबी जीन को बताता है कि स्टॉर्म की टीम जाने ही वाली है, जिसपे जीन अपना हेलमेट उतारते हुए कहती है, उनको रोको, वो अभी नहीं जा सकते, वो एक और अटैक की प्लानिंग कर रहा है। बॉबी पूछते हैं, कौन कर रहा है? जीन कहती है, जेमी मैड्रॉक्स, मैं आधी टीम को मोंटाना लेकर जाती हूँ और स्टॉर्म को अभी जेमी को हैंडल करना होगा, और फिर आधी टीम स्टॉर्म के साथ कैंसस पहुंच जाती है। स्टॉर्म कहती है, मैं जानती हूँ कि हमें अपने दोस्तों की चिंता है, लेकिन तुम सब लोग यहाँ सावधान रहना। जुबली कहती है, यकीन नहीं हो रहा कि जीन ग्रे डायनासोर्स के साथ खेलने चली गई और हम यहाँ आ गए, इसमें मजा नहीं आने वाला। कर्ट कहता है, मजा आना लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इधर जीन ग्रे की टीम मोंटाना पहुंच चुकी है। जेवियर इंस्टीट्यूट के अंदर आर्मर बाकी म्यूटेंट से कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। रॉक्सलाइट पूछता है, क्या यकीन नहीं हो रहा? आर्मर कहती है, वो हमें छोड़कर चले गए। अब ग्लोब नींद से जागता है और कहता है, कौन, क्या क्या हुआ, कौन छोड़कर चला गया? आर्मर कहती है, बाकी सारे एक्समैन, सब के सब, इस पूरे वर्ल्ड में मुसीबतें आ रही हैं और वो हमारे बिना इसे बचाने चले गए। वो हमारे बारे में यही सोचते हैं, जब कोई मुसीबत आती है तो वो हमें बताते भी नहीं, उनके लिए हम बस बच्चे हैं। ग्लोब कहता है, ये तो अच्छी बात नहीं है। रॉक्सलाइट कहता है, पिछले मिशन में हमें हमारी औकात पता चल गई थी, वो भी फोरआर्म के हाथों, हमारी कितनी बेइज्जती हुई। विक्सी कहती है, रॉक्सलाइट सही कह रहा है, हमारे लगभग 2 टीममेट्स मारे जा सकते थे और बाकी एक्समैन ने सही ही किया कि हमें यहाँ पर छोड़कर चले गए। शायद चीजें इतनी बुरी हों कि हमारे ऊपर भी खतरा हो, और वैसे भी बीस्ट ने हमें यहाँ इनका ख्याल रखने के लिए कहा है। अब आर्मर पूछती है, एक मिनट, अब बीस्ट कहाँ चला गया? इधर नॉर्थ कैरोलिना के अंदर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ एक्समैन का जेट क्रैश हुआ था, जहाँ पुलिस और बाकी फायर डिपार्टमेंट के लोग मलबे को साफ करने में लगे हुए हैं।
तभी हमें वहाँ बीस्ट दिखाया जाता है जो कि उन सबसे छुपकर क्रैश साइट के अंदर चला जाता है। देखने से लगता है कि बीस्ट यहाँ किसी चीज को ट्रैक कर रहा है। उधर मोन्टाना के अंदर कर्ट बाकी एक्समैन को उस जगह पे ले आता है जहाँ जेमी के डुप्लीकेट्स की एक पूरी आर्मी तैयार की जा रही है, जो एक्समैन से कहते हैं वापस चले जाओ, हमने सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया है, हमें अकेला छोड़ दो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वो सब लोग जा चुके हैं और ये हमारी गलती है, तुम बस हमारे रास्ते में आ रहे हो। ये कहकर एक डुप्लीकेट एक्समैन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक्समैन बच जाते हैं। कैननबॉल पूछता है अब मैड्रॉक्स कब से इस तरीके से अटैक करने लग गया। साइलोग कहती है उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, मैं उसके दिमाग को नहीं पढ़ पा रही हूँ। कैननबॉल कहते हैं उसके साथ तो हमेशा ही गलत होता रहता है। साइलोग कहती है उसके साथ पहले से भी कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। अब स्टॉर्म जेमी से कहती है हम यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, लेकिन तुम्हें समझना होगा, तुम लोगों को डरा रहे हो पहले सीनेटर के साथ और अब ऐसा करके, हमें समझाओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। जेमी कहते हैं वो सब लोग जा चुके हैं, हम बहुत लेट हो चुके हैं। सहलो कहती है मैं उनके दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज्ड हो रखे हैं और मैं इनके अंदर असली जेमी को नहीं ढूंढ पा रही हूँ। पोलारिस पूछती है कौन सब लोग जा चुके हैं। मैड्रॉक्स कहते हैं किटी, सीनेटर एलन, हमारे दिमाग से बाहर निकलो, ये सब हमारी वजह से हुआ है और हम इसे ठीक कर देंगे। और फिर एक्समैन मैड्रॉक्स आर्मी के साथ लड़ने लगते हैं। स्टॉर्म कहती है तुम हमें मजबूर कर रहे हो, एक्समैन जेमी प्राइम को ढूंढो और उसे कैद कर लो। और फिर लड़ाई के बीच बेसिकली थोड़ी बहुत ऐसी वैसी बातें होती हैं। स्टॉर्म कहती है साइलोग मुझे बताओ कि तुमने जेमी प्राइम को ढूंढ लिया है। साइलोग कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यह बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैननबॉल कहता है तुम और जोर से कोशिश करो, ये सब हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब तक मैड्रॉक्स आर्मी पोलारिस और कैननबॉल को घायल कर देती है और स्टॉर्म के ऊपर भी कंट्रोल करने लगती है। इधर मोन्टाना के अंदर जीन ग्रे की टीम पहाड़ों के बीच पहुंचती है। जीन कहती है बॉबी हमारे पीछे एक बर्फ की दीवार बना दो ताकि हम इन डायनासोर्स को स्लो कर सके और हम मेरी टेलीपैथी से एक दूसरे से बात करते रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए इन चीजों को शहर के अंदर नहीं जाने देना। तब वो डायनासोर्स एक्समैन की तरफ भागने लगते हैं। जीन पूछती है बॉबी दीवार कैसी बनी। बॉबी कहता है दीवार अच्छी बन चुकी है। और फिर एक्समैन डायनासोर्स के साथ लड़ने लगते हैं। बिशप कहता है अर्थ पे इतना क्या बड़ा हो सकता है जो ये सब करवा सके, कौन इतना पावरफुल है कि वो इतना सब एक साथ कर सके और फिर भी हमसे छुप कर बैठा रहे। जीन कहती है पता नहीं बिशप, लेकिन सब कुछ बहुत डरावना है। बिशप कहता है जब हम घर जाएंगे तो मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे कुछ दिनों पहले कुछ मिला था। वहीं लोरा डायनासोर्स को काट रही होती है और तभी एक टीरा आकर लोरा को निगल लेते हैं। जीन कहती है बिशप उसको बाहर निकालने में मेरी मदद करो। बिशप कहता है तुम लोरा को बस एक मिनट दो। और तब लोरा टीरेक्स का पेट काटते हुए बाहर आ जाती है और कहती है बस इतनी ताकत थी। अब जीन बाकी सब लोगों को ये बताकर मोटिवेट करती है। इधर जेवियर इंस्टीट्यूट के बाहर लोग इकट्ठा हो चुके हैं और म्यूटेंट्स के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वहीं हमें भीड़ के अंदर एक आदमी जेवियर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। आर्मर कहती है ये लोग हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा घर कहाँ है, और सच कहें तो हम अपने घर के अंदर ही हैं। ओया और अनोल अब भी घायल हैं, हम अपनी जान की बाजी लगाते हैं ताकि विलन्स को गवर्नमेंट की दवाई चुराने से रोक सकें और बदले में हमें ये सब मिल रहा है। ये लोग हमारे लोन में आकर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पिक्सी कहती है मुझे बस इन आवाजों से परेशानी हो रही है, इनको कुछ अच्छे नारे लगाने चाहिए, ये घंटों से यही बकवास नारे लगा रहे हैं और ये मुझे पागल कर रहे हैं, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। ग्लोब कहता है हाँ ये सब ऐसा ही होता है और ये हमेशा से ऐसे ही था और रहेगा। आर्मर कहती है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो पता नहीं तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम एक्समैन की टीम में क्या कर रहे हो। रॉक्सलैंड कहता है शायद हमें बाहर जाकर उन सबको डराना चाहिए और कुछ खोपड़ियाँ तोड़नी चाहिए, ये देखकर वो भाग खड़े होंगे। आर्मर कहती है हाँ लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, एक मिनट कोई हमारी तरफ आ रहा है। तब वो आदमी गेट के पास पहुंचकर नॉक करता है। अब जब एक्समैन गेट खोलते हैं तो वो आदमी कहता है हाय बच्चों मेरा नाम लेजियन है, मैं प्रोफेसर एक्स का बेटा हूँ और मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ।